हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं Vivo T1F के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके जो हिडन फीचर्स के बारे में बात करना, उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए फ्रेंड। सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर आपको जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है सिस्टम। सिस्टम के अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, उसके अंदर आप बैक बटन को जो है चेंज कर सकते हो। इसकी जो लुक है ये भी चेंज कर सकते हो। इसका जो बैक बटन है उसको आपको इधर करना है तो ये यहाँ भी हो सकता है और ये इस साइड भी हो सकता है। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो डिज़ाइन की बात करें तो ये अलग तरह की दो डिज़ाइन अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं इसका नेविगेशन, जो गेस्चर नेविगेशन, जिसके अंदर क्या है आप कोई भी बटन आपको नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से ये बाहर आएगा। अब जैसे कि आपको बैक करना हो तो आप यहाँ से बैक कर सकते हो और यहाँ से भी आप बैक कर सकते हो, तो दोनों तरफ से ये बैक हो जाएगा। अगर आप होम स्क्रीन पर आया है तो इसी तरह से आपको बीच वाला करके ये आप होम स्क्रीन पर आ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं वो है मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर के अंदर आपको दो फोन एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, एड गेस्ट करके आप अलग अलग फेसबुक अलग अलग व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आपको एप फोन क्लाउड, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपका नया फोन आपका वीवो से वीवो में ट्रांसफर करो तो आपको ये इजी ओल्ड टू न्यू करके ये पूरा डेटा एक्सचेंज कर सकते हो एक वीवो के फोन के अंदर। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर अब जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं अल्ट्रा गेम मोड, तो इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आप गेम स्लाइड बार ऑन कर सकते हो, साथ में म्यूट नोटिफिकेशन कर सकते हो, 4D गेम वाइब्रेशन ऑन कर सकते हो, इसके अंदर साउंड इफेक्ट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। काफी सारी सेटिंग्स है इसके अंदर जो आप यहाँ पे करके रख सकते हो। अब जो है सर नेक्स्ट सेटिंग है डिजिटल वेलबिंग, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिल जाती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। शो योर डाटा, तो आप यहाँ पे ये पता लगता है कि आपने कितनी बार फोन को अनलॉक किया, कितनी नोटिफिकेशन आई। डैशबोर्ड के अंदर आपको ये दिखाएगा आपने ये फोन को कितने मिनट यूज करे, 1 मिनट 3 मिनट, ये आपको ये बताएगा कि आपने दिन में कितनी बार ये मोबाइल को जो है यूज किया, स्क्रीन को ऑन किया है। अब जो फोकस मोड की बात करते हैं, इसके अंदर कोई सा भी आप जैसे कि मैंने कैमरा को फोकस मोड पे कर देता हूँ, उसके टर्न ऑन कर देता हूँ, तो ये जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसके ऊपर आप क्या करना, उसे टर्न ऑन करके रख देना। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पे ओपन नहीं कर पाओगे, आप देख सकते हो फोकस मोड ऑन इनेबल, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसे मैं फिलहाल टर्न ऑफ कर देता हूँ। ये तो कितने मिनट तक आपको ऑन करना है ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट फीचर्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाती है शॉर्टकट एंड एक्सेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको एस कैप्चर देखने को मिल जाता है, आपको 3 फिंगर से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपको जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना वो आपको यहाँ से नीचे कस्टमाइज कर सकते हो, आप एक साथ में एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो बात करते हैं इसकी स्क्रीन फ्लोटिंग विंडो की, ये भी आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी कमाल का फीचर से। ये भी आपको मैं आगे आपको बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब जो स्क्रीन स्प्लिट की बात करते हैं तो आपको इसे इनेबल कर देना है। यह कैसे आप वर्क, आपको ये सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे फेसबुक के अंदर मैसेज के अंदर, तो यहाँ पे मैं ये आपको बता देता हूँ कैसे ये यूज होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आप कोई भी एक एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं, जैसे मैं फेसबुक यहाँ पे ऐड करके रख देता हूँ। तो आपको नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं तो आपको स्मार्ट मोशन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन एंड ऑफ ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको रेज वेकअप, डबल टैप टू लाइट, डबल टैप टू टर्न ऑन, तो ये चीज़ों को ऑन कर देना है तो आप देखते हैं किस तरह से काम करता है। टर्न ऑन टर्न ऑफ कि इसके अंदर थोड़ी सी बैटरी जो है आपकी कमज़ोर होगी, तो ये फीचर्स आप ज़्यादा यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये मैं बंद कर देता हूँ ये दो, तो ठीक है इस ओके कि आपको ये बटन का काम नहीं पड़ेगा जब भी ये फोन आप यूज़ करते हो। तो ये स्मार्ट वॉच की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्मार्ट टू अनलॉक, स्मार्ट टू टेक डाउन पिक्चर्स, ये आप ये जो ड्रॉ करके ये चीज़ कर सकते हो। तो मैं ये इसके अंदर आपको कुछ भी एक चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने एल्बम सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हो आप कैसे ये वर्क करता है। अब जब भी ड्रा आप ई बनाएंगे तो आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा एल्बम, तो आप इसी तरह से ये चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। शेक टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो ये आप इसे इनेबल करते हैं, जब भी आप मोबाइल को शेक आउट करोगे तो आपके मोबाइल की जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी।
अब इसके बाद क्विक एक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप क्विक एक्शन में फ्लैश लाइट ऑन करना, ऑटो, जैसे कि जब मोबाइल आपका बंद है तो आप पावर डाउन बटन यूज करोगे तो आपको जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो इसी तरह से ये क्विक एक्शन का काम है। ये फीचर काफी कमाल का फीचर से आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट बात आता है मेनू, पावर मेनू के अंदर। तो ये आप यहाँ से, ये भी, ये तो कोई खास नहीं, तो आप ये से छोड़ ही दीजिए। तो नेक्स्ट फीचर के अंदर आ जाते हैं इजी टच। इजी टच के अंदर आपको काफी सारे, जो इसके अंदर आप काफी सारी चीज ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट, कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डर, फ्लैश लाइट, सर्च, इजी टच सेटिंग। इसके अंदर मेनू के अंदर आपको और सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाए, इसे आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो आपको कलर की बात करते हो तो आप यहाँ से इसका लेआउट भी बदल सकते हो, और इसका जो कलर वगैरह ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ये भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर तो काफ़ी ठीक है, ये अब इसे वापस से ऑफ करके रखना है। कि अब नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं तो फेस ब्यूटी ऑफ फॉर वीडियो कॉल, तो इसके अंदर आपको इसे सभी को इनेबल कर देना है, जो जो एप्लीकेशन आपको सभी जगह पे आपको इसे इनेबल करके रख देना है। अब इसके बाद फ्लैश नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इनकमिंग कॉल, जब भी आपका कोई किसी का कॉल मैसेज आएगा तो आपको जो फ्लैश लाइट है वो ऑन होकर आपको दिखा देगी, तो इसे भी आपको इनेबल करके रख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं शेड्यूल टास्क, तो ये फोन, ये चीज तो आप ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद एक्सेबिलिटी के अंदर आते हैं, इसके अंदर भी काफी सारे कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर डार्क थीम ये भी हो जाता है। इसके अंदर एक चीज और, एक तो ये यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इसे कलर, इसके अंदर एक चीज और, एक कलर, जैसे कि कलर करेक्शन, तो ये भी यहाँ पे कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। साथ में ये कलर इनवर्सल, मतलब ये अपोजिट कलर भी हो जाता है। तो काफी सारी इसके अंदर सेटिंग है, तो ये सेटिंग के अंदर बिल्कुल भी ना जाए तो ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं, इसके अंदर आप आ जाते हैं ऊपर की साइड के अंदर, आपको डायनेमिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, इनहांस डायनेमिक इफेक्ट। इसके अंदर आपको इंटरफेस वगैरह चेंज कर सकते हो, वेदर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, नैनो प्लेयर, ये इनहांस ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये अनलॉक होम स्क्रीन की एनिमेशन की बात करते हैं, तो ये कैसा आपको एनिमेशन, अलग अलग तरह का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और यह चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ चार्जिंग एनिमेशन देख सकते हो, आपको कौन सा, जब भी आप कौन सा प्लग इन चार्जिंग, अब जो चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हो तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सा बहुत सारे इसके अंदर आपको ये जो है देखने को मिल जाते हैं, तो आप ये कोई सा भी एक सिलेक्ट करके रख सकते हो। अब जो एप्स की बात करते हैं तो एप्स के अंदर आपको काफी सारे सेटिंग देखने को मिलेगा। कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में चले जाना है, नोटिफिकेशन के। अब जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं एप्स एंड नोटिफिकेशन, इसके अंदर आपको जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन एक मिल जाएगा नोटिफिकेशन के। नोटिफिकेशन के जाने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसे आपको इनेबल कर देना। अगर गलती से आप कोई भी नोटिफिकेशन को स्वाइप कर देते हो तो ये जो सेटिंग है वो आपकी बड़ी कमाल की है, ये आपको बता देगी कि आपके कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपकी आई थी। ये बबल्स, इसके अंदर भी यही होता है कि आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एक बबल बन के आएगा, तो इसे भी आपको यहाँ पे इनेबल करके रख देना है। अब जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसे भी आपको इनेबल कर देना है। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपका स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा, बट ये फीचर्स में ये होता है कि आपकी जो है बैटरी कंज्यूम ज्यादा करती है, तो इसे आप इसको डिसेबल रखोगे तो भी ज्यादा बेटर होगा। अब इसके अंदर और काफी सारे फीचर्स है, तो इसे आप यहाँ से बाहर हो जाता। अब इसके अंदर जाता हूँ तो नीचे की ओर आपको एक और चीज देखने को मिल जाती है, ऐप क्लाउन। ऐप क्लाउन के अंदर क्या होगा, आप डबल एप्लीकेशन एक साथ में यूज कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी चीज है आप डबल डबल यूज करके रख सकते हो। अब डिफॉल्ट एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये खास चीज होती है कि जिसके अंदर क्या है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इनेबल कर दे, जैसे कि फोन है आपको ट्रू कॉलर यूज कर रहे हो तो आपने ट्रू कॉलर को भी इंस्टॉल करके रखा है, तो बट दोनों एप्लीकेशन एक साथ हो जाएगी, तो इसलिए आपको फोन को ही सिलेक्ट करके रखना। तो ये चीज आपको यहाँ पे कस्टमाइज करनी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा काम की है ये। अब उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की ओर, इसे साउंड की बात करते हैं, काफी बढ़िया साउंड है इसका, तो साउंड वगैरह, तो आप रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको रैम को एक्सटेंड करना है, तो ये आप देख सकते हो 2 GB एक्स्ट्रा आपको रैम ऐड हो जाएगी इसके अंदर। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।